ये आपको सेम लेक्सस की जो ग्रिल आती है उसकी फील, तो सेफ्टी के मामले में फॉर्चुनर थम्स अप दिया गया है, जो कि है H2, H4 और L4। यहाँ पे आप पुश करके इसको एंगेज कर सकते हैं और यहाँ पे भी सेम हमें हैंडल मिल रहा है, जो कि ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा वर्केबल है, जो कि सारे के सारे ऑटो है। गाइज अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खैर वाफियत से होंगे आप सारे। तो आज हम आपके लिए टोयोटा फॉर्चुनर 2021 मॉडल लेके आए हैं, जो कि ऑटोमेटिक रहने वाला है, प्लस 4x4 ये कार रहने वाली है। तो मैं आज आपको फुल डिटेल और फीचर्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले जो है हम हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट जो है ऐसा कुछ लुक रहने वाला है हेडलाइट का, जिसमें हमें LED प्रोजेक्टर मिलता है, इसी में हमें हाई बीम और लो बीम दोनों वर्केबल है। उसी के साथ हमें देखने को यहाँ पे इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है और एक DRL प्रोवाइड हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ऐसा कुछ लुक रहने वाला है हेडलाइट का। नीचे की ओर अगर हम चलते हैं, यहाँ पे हमें फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। इसमें हम आफ्टर मार्केट चेंज भी कर सकते हैं, इसमें हम LED वगैरह भी डाल सकते हैं, जो एक इनहेंस लुक प्रोवाइड करके देगा। हम बात करते हैं सेंटर में जो है ग्रिल, इन्होंने चेंज कर दी है, TRD की ग्रिल जो है वो डाल दी गई है इसमें। ये आपको सेम लेक्सस की जो ग्रिल आती है उसकी फील देता है। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ये बम्पर में हमें इंसर्टेड मिलता है, उसी के साथ जो है नंबर प्लेट की जो प्लेसिंग वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। वो ऐसा है कुछ फ्रंट लुक की अगर हम बात करते हैं, ऐसा कुछ लुक रहने वाला है साइड प्रोफाइल का। टायर साइज जो है इसमें हमें 265/60 और 18 इंच का है, जो हमें टायर अलॉय इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि है HT टायर। तो ये हाईवे ट्रेन टायर है, तो हम इसमें मार्केट में जो है आफ्टर मार्केट हम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसमें AT भी डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ लुक रहने वाला है टायर का। तो फेंडर की अगर हम बात करते हैं, फेंडर में जो है हमें मिरर देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ जो है साइड व्यू मिरर जो है उसमें हमें जो है इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। आप चेक कीजिए कितना ये लुक अच्छा प्रोवाइड करके देता है। तो रियर में जो है, रियर में भी हमें डिस्क प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे जो है आप फ्यूल फिलअप करा सकते हैं। ये डीजल टैंक जो है 80 लीटर्स की कैपेसिटीज की है। तो यहाँ पे जो है हमें क्रोम हैंडल देखने को मिलेगा, उसी के साथ जो है हमें रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी प्रोवाइड किया गया है। फुटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कंपनी प्रोवाइड करके देती है। तो ऐसा कुछ लुक रहने वाला है साइड प्रोफाइल, ऐसा कुछ बैक लुक रहने वाला है। तो हम टेल लैम्प से स्टार्ट करते हैं। टेल लैम्प जो है हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें जो है इंडिकेटर, रिवर्स और जो है ब्रेक वो देखने को मिलेगा। तो सेम आपको यहाँ से भी ऐसा ही लुक आ रहा है। सेंटर की ओर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें जो है क्रोम टाइप का हैंडल देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें जो है फॉर्चुनर की बैजिंग नज़र आ रही है, उसी के साथ जो है लोगो टोयोटा का वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और तो जो वाइपर है, वाइपर की प्लेसमेंट आप देखिए कितनी अच्छी तरह से की है। उसी के साथ जो है डिफॉगर भी हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि कंपनी हमें देती है। उसी के साथ जो है स्पॉइलर भी हमें देखने को इसमें मिल रहा है। नीचे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ में जो है नंबर प्लेट की जो प्लेसिंग है वो यहाँ पे है, और जो रिवर्स कैमरा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितनी अच्छी जगह जो है रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं। उसी के साथ हमें जो है सेंसर्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, 4 सेंसर्स हमें जो है रिवर्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ बैक लुक रहने वाला है। सेम इस वाले साइड की अगर हम बात करते हैं तो सेम ऐसा ही रहने वाला है। और तो और जो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल रहा है, उसी के साथ जो है हम मैन्युअली की इसमें एंटर करके लगा सकते हैं। तो डोर पैनल की अगर हम बात करते हैं तो डोर पैनल ऐसा कुछ लुक आ रहा है डोर पैनल का, जिसमें कि हमें जो है पावर विंडो कंट्रोल करने का जो बटन्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि सारे के सारे ऑटो है। और तो और यहाँ पे हमें लॉक और अनलॉक करने का जो बटन है वो प्रोवाइड किया गया है। मिरर्स जो है आप वहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, यहीं पर कंट्रोल। तो ऐसा कुछ इंटीरियर लुक रहने वाला है फॉर्चुनर का। तो हम स्टेयरिंग से जो है स्टार्ट करते हैं। स्टेयरिंग में सबसे पहले जो हमें लोगो नज़र आ रहा है, उसी के नीचे जो है एयरबैग हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से हमें सेम कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि म्यूज़िक सिस्टम के हैं। और यहाँ से जो है MID जो है कंट्रोल करने के लिए जो बटन्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ लुक रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, जिसमें हमें स्पीड, RPM, फ्यूल और जो है टेम्परेचर वो भी पता चलता है। और एक छोटा सा MID डिस्प्ले दिया है, जिसमें हमें सेटिंग का ऑप्शन है और फ्यूल आपको क्या माइलेज गाड़ी प्रोवाइड करके देती है, और जो है कंपास वो भी हमें इसी में मिल रहा है। और ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कौन सा डिवाइस क्या म्यूज़िक चल रहा है वो भी आपको यहीं पे शो होगा। तो और कोई मैसेज अगर होगी वो भी आपको यहीं पे शो होगी। तो ऐसा कुछ है MID का लुक।
यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो है हेडलाइट उसके कंट्रोल्स हमें मिल रहे हैं, ये वाले जो है ये फॉग लाइट के हैं और ये वाले जो है हेडलाइट के हैं जिसमें हमें ऑटो और जो है फॉग लाइट का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। यहाँ की अगर हम देखते हैं यहाँ जो है वाइपर जो है कंट्रोल करने यहाँ पे जो है हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो दिया गया है। उसी के साथ जो है यहाँ पे एक कप होल्डर हमें मिल रहा है जिसमें हम कुछ कप वगैरह बोतल वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ की ओर अगर हम देखते हैं यहाँ में जो है हमें पावर डोर ऑफ जो है वो बटन मिल रहा है। उसी के साथ जो है बूट अनलॉक का जो बटन है सेम आपको यहीं से मिल रहा है। और तो और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और जो है बोनट वो आप यहाँ से ओपन और फ्यूल टैंक का जो ये बटन है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एसी वेंट हमें यहाँ पे प्लेस किया गया है सेम, इस पर भी हमें फिनिशिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसा कुछ एसी वेंट का लुक रहने वाला है। ट्विटर्स की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे एक हैंडल हमें प्रोवाइड किया गया है सेम, यहाँ पे भी हमें हैंडल मिल रहा है और यहाँ पे भी सेम हमें हैंडल मिल रहा है जो कि ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा वर्केबल है। उसी के साथ जो है एयर बैग आपको इस पिलर में भी प्रोवाइड किया गया है सेम। जो डैशबोर्ड का लुक है ये सॉफ्ट टच फिनिशिंग के साथ हमें दिया गया है, बाकी ये जो है ये प्लास्टिक टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ लुक रहने वाला है सेंटर कंसोल का। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें एसी वेंट्स देखने को मिल रही है और छोटी सी एक वॉच प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, और हैजार्ड लाइट को जो बटन है वो यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है। नीचे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें जो है स्टीरियो जो है वो देखने को मिल रहा है जो कि सीडी प्लेयर स्टीरियो है जिसमें आपका मैप ब्लूटूथ सब कुछ वर्क करेगा। यहाँ पे भी हमें ग्लॉसी फिनिश दी गई है, आप चेक कीजिए कितनी अच्छी जगह ये प्लेस किया गया है। जो क्लाइमेट कंट्रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल इसमें जो है हमें ऑटो मैनुअल दोनों प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसमें आप जो है मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं और ऑटो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो का बटन प्रेस करके ये ऑटोमेटिक रन करेगा। यहाँ पे जो है हमें 12 वाट का सॉकेट जो है वो नज़र आ रहा है, उसी के साथ जो यूएसबी सॉकेट और एक ऑक्स केबल का पोर्ट वो भी हमें यहाँ पे नजर और यहाँ पे जो है डीएसी का बटन भी प्रोवाइड किया गया है। 4x4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4x4 का ऑप्शन हमें दिया गया है जो कि है H2, H4 और L4, यहाँ पे आप पुश करके इसको एंगेज कर सकते हैं। यहाँ में सबसे पहले हमें एक फिनिशिंग टाइप का देखने को मिल रहा है जिसको हम ऐसे ओपन करके ये कप होल्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं सेम, आप ऐसे ही इसको बंद कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिक हमें देखने को मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक कार है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ मोड्स दिए गए हैं जो कि है इको मोड और पावर मोड। इको आप नॉर्मली स्टीम में ड्राइव कर सकते हो और पावर मोड जो ही आपको पावर चाहिए गाड़ी में आप पावर मोड प्रेस करके इसको एंगेज कर सकते हैं। ट्रैक्शन का जो बटन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, उसी के साथ जो है ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी बटन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ जो है आर्म रेस्ट भी दिया है कुछ सॉफ्ट टच फिनिशिंग के साथ, हमें आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है तो अच्छी खासी स्पेस हमें इसमें भी प्रोवाइड की जाती है। और हैंड ब्रेक जो है वो आपको यहाँ पे प्लेसड मिल जाएगी। तो ऐसा है कुछ भी हमें जो है एयरबैग देखने को मिल रहा है। ट्विटर्स की प्लेसिंग सेम जैसे राइट साइड से है सेम लेफ्ट साइड से भी ट्विटर्स की प्लेसिंग आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ इस पिलर में भी हमें जो है एयरबैग देखने को मिल रहा है और जो हैंडल्स हमें यहाँ पे भी प्रोवाइड किए गए सेम यहाँ पे भी। और तो और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं जो कि कूल वगैरह रहने के लिए है। तो ग्लो बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लो बॉक्स में भी अच्छी खासी हमें स्पेस प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा है कुछ इंटीरियर का लुक। और तो और जो इसमें रियर व्यू मिरर है ये ऑटो हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो है सनग्लास होल्डर है और यहाँ पे कुछ लाइट्स हमें दी गई है जो कि हमें नाइट में बहुत हेल्पफुल है। और एक बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिए कि इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ से हमें वैनिटी मिरर जो है वो प्रोवाइड किया गया है एक लाइट के साथ सेम, आपको को ड्राइवर की जो साइड है वहाँ से भी यही प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसा है कुछ फ्रंट से लो। तो सीट की अगर हम बात करें, सीट जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है हमें जो कि हम मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें एयरबैग जो है वो नज़र आ रहा है। तो सेफ्टी के मामले में फॉर्चूनर थम्स अप। ऐसा है रियर से कुछ इंटीरियर का लुक। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें 12 वाट को जो है सॉकेट वो दिया गया है, उसी के साथ कुछ स्पेस प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे जो है हमें हुक एक नज़र आ रहा है जो कि इस पर लिखा है कि मैक्सिमम 4 kg तक जो है आप इसमें हैंग कर सकते हैं। सीट के जो है पीछे यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी गई है। एसी वेंट्स जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रियर एसी वेंट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे भी सेम हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा कि है डोर जो है आप डोर खोलेंगे तब ये लाइट चलेगी, और तो आप इसको मैन्युअली भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्लाइमेट कंट्रोल जो है ऑटो ऑफ, यहाँ पे भी सेम हमें ऑटो का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया अगर है। हम लेग स्पेस की बात करते हैं तो अच्छा खासा लेग स्पेस इसमें हमें प्रोवाइड हो रहा है और थाई सपोर्ट भी इसमें बहुत अच्छा मिल रहा है।
तो ऐसा है कुछ रियर से इंटीरियर का लुक। आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूब पे ज़रूर कीजिएगा। और तो और मैं डिस्क्रिप्शन में है जो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक दूंगा, वहाँ भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, अस्सलाम वालेकुम।